दोस्तों आजकल हर किसी के फ़ोन में कोई ना कोई फाइल तो इम्पोर्टेंट होती ही होगी, चाहे वो कोई पर्सनल फोटोज़ की फाइल हो या वीडियोस की फाइल, या फिर दोस्तों आइडियोज़ की फाइल हो सकती है, या फिर दोस्तों आपके हो सकता कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट हो उसकी फाइल हो। तो दोस्तों अगर आपके भी फ़ोन में ऐसी ही सीक्रेट्स पर्सनल फाइल्स हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी पर्सनल फाइल्स को हाइड कर सकते हो, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फाइल मैनेजर के पर्सनल फाइल्स को हाइड करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल फोन पर मिलते रहे और आप हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि मैंने अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लिया। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा और उसमें अपनी कुछ पर्सनल फोटोज को ऐड करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं उस फोल्डर को हाइड करूंगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको उसको शो करके भी दिखाऊंगा कैसे आप इस हाइड फोल्डर को शो कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं मेरे कुछ पर्सनल फोटोज शो हो रहे, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको मूव करके न्यू फोल्डर में पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो मूव कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं कोई न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि मैं न्यू फोल्डर एक क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फाइनली हो चुका है मेरा न्यू फोल्डर क्रिएट, और यहाँ पर ओके पे क्लिक करके यहाँ पर मैं सारी फोटोज में जो पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हो कि मेरी फोटोज यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर इस फोल्डर को हम कैसे हाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना, अपनी फिंगर को इस वाले फोल्डर पे होल्ड करना होगा। होल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोर वाले ऑप्शन पे जाना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको रीनेम पे क्लिक करना है। रीनेम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इन वर्ड से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर डॉट को ऐड करना है। डॉट को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मैसेज होगा जहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो फाइल है वो हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर फाइल नहीं शो हो रही है। अब दोस्तों इस फाइल को दोबारा से हम शो करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जाना है थ्री डॉट पे। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हो कॉर्नर में शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है शो हिडन फाइल्स, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हो कि ये फोल्डर आ चुका है। अब दोबारा से हम इसमें अपनी और भी फोटो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसको दोबारा से हाइड करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको टिक करना होगा डोंट शो हिडन फाइल। तो यहाँ पर जैसे ही आप टच करोगे तो यहाँ पर आपका जो फाइल है वो हाइड हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही आपने पर्सनल फाइल्स को हाइड भी कर लिया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक लेट, टाटा बाय।